मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन मैथ्स की बुक में से कुछ न्यू चीज़ सीखेंगे। ओके, तो सभी अपनी मैथ्स की बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 41 ओपन करेंगे, चैप्टर नंबर 4, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। नंबर्स का कंपैरिजन मतलब अंतर, कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है, जिसको बोलते हैं मोर देन एंड लेस देन। क्या बोलते हैं? मोर देन एंड लेस देन। देखिए, ये बैलून सेलर मतलब जो बैलून बेचते हैं, उनके पास कितने बैलून हैं? 2। और ये जो बच्चा है उस पर कितने हैं? 1। तो अपन यहाँ पे रीड करते हैं क्या लिखा है। बैलून सेलर हैज़ 2 बैलून इन हिज हैंड। कितने बैलून हैं भैया के पास? 2। तो क्या बोलेंगे अपन? बैलून सेलर हैज़ 2 बैलून्स इन हिज हैंड। उनके पास 2 बैलून्स हैं। फिर यहाँ पे टिंकू हैज़ 1 बैलून इन हिज हैंड, और टिंकू के पास 1 बैलून है। भैया के पास 2 है और टिंकू के पास 1 है। हु हैज़ मोर बैलून, किसके पास ज़्यादा बैलून है? बैलून सेलर हैज़ मोर बैलून, बैलून बेचने वाले भैया के पास ज़्यादा बैलून है, 1 और 2, और टिंकू के पास ओनली 1 बैलून है। इट मीन्स 2 इज़ मोर देन 1, इसका मतलब 1 से ज़्यादा 2 होते हैं, 2 बड़े होते हैं, 1 नहीं होता। एंड हु हैज़ लेस बैलून, और कम बैलून किसके पास है? टिंकू के पास, टिंकू हैज़ लेस बैलून्स। इट मीन्स 1 इज़ लेस देन 2, इसका मतलब 1 छोट लेस यानी कम होता है 2 से। अब अपन एक्सरसाइज करते हैं। काउंट द ऑब्जेक्ट एंड राइट इन द ब्लैंक बॉक्स एंड देन टिक द मोर ऑब्जेक्ट। पहले अपन को काउंट करना है और जो ज़्यादा है उस पर टिक करना है, 1, 2, 3, 4, और ये कितने हैं? 1 और 2। तो कौन सा ज़्यादा हुआ, कौन सा मोर हुआ, कौन सा मोर है? ये वाले मोर हैं या ये वाले? यस, ये वाले। तो अपन इस पर टिक करेंगे। फिर आइसक्रीम्स, ऑरेंजेस, 4 ऑरेंजेस थे, इसमें 2 ऑरेंजेस हैं। अब आइसक्रीम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 आइसक्रीम्स हैं, और इस वाले बॉक्स में ओनली 2 आइसक्रीम्स हैं। तो 6 आइसक्रीम्स वाले बॉक्स पे अपन टिक करेंगे, क्योंकि ये मोर है और ये वाले लेस हैं। कितने लैंप हैं ये? 1, 2, 3, इसमें ओनली 3 लैंप्स हैं, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 यानी मोर। इसमें 1 यूनिफॉर्म है और इसमें 1, 2, 3, 4, तो 4 ये वाला। ये कितनी टॉय कार है? 1 और 2, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 यानी मोर। जो ज़्यादा होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोर। फिर बुक्स काउंट करेंगे अपन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बुक्स, और इसमें 1, 2, 3, तो अपन 8 बुक्स पे टिक करेंगे। देन कितने पेंसिल्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, तो अपन 9 वाले पे टिक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वाले पे टिक करेंगे। तो क्या समझे आप? जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको मोर बोलते हैं, जो चीज़ कम होती है उसको लेस बोलते हैं। जैसे ही 1 और 2 में अपन कंपेयर करा अपन ने बैलून से, तो 1 बैलून लेस होते हैं और 2 मोर होते हैं। ओके, अब अपन करेंगे ऑर्डिनल नंबर। ये आपकी काउंटिंग लिखी है 1 से 10 तक, और इनको कैसे बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर? 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, इनकी स्पेलिंग्स से दी हुई है। यहाँ पे देखते हैं अपन विद एग्जांपल। फर्स्ट कैप इज़ येल्लो। ये क्या है? फर्स्ट, सबसे ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट। जैसे कि क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं, जो सबसे आगे बैठा रहता है उसको मैम क्या बोलती हैं? फर्स्ट बेंच स्टैंड अप, फर्स्ट बोलती है, और जो सबसे पीछे होता है उसको क्या बोलती है? लास्ट, है ना। तो जैसे कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, ऐसे ही। सेकंड कैप इज़ ब्राउन, थर्ड कैप इज़ पिंक, फोर्थ कैप इज़ ब्लू, फिफ्थ कैप इज़ ऑरेंज, सिक्स्थ कैप इज़ ग्रीन, सेवन्थ कैप इज़ ग्रे, एट्थ कैप इज़
रेड, ये होते हैं ऑर्डिनल नंबर। आपको इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कंपैरिजन में कौन सी चीज़ ज़्यादा है तो वो मोर होती है और कौन सी चीज़ कम है तो वो लेस होती है, और अपनी बुक में ये एक्सरसाइज फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।